हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ शर्लॉक होम्स मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 8 जनवरी 2010 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था गाय रिची ने, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.6। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है 1819 के लंदन से, जहाँ शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें एक लड़की की जान बचानी है जिसे लॉर्ड ब्लैकवुड ने किडनैप कर लिया था और उस पर वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे खुद को ताकतवर बनाने के लिए। इससे पहले कि ब्लैकवुड उसकी बलि दे पाता, तब तक शर्लॉक आकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ ही देर में लेस्ट्रेड, जो कि एक पुलिस वाले होते हैं और शर्लॉक के अच्छे दोस्त भी होते हैं, वो ब्लैकवुड को अरेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले ही भी ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मार दिया था, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो अभी उस लड़की को मारने वाला था जिसे शर्लॉक ने बचा लिया था। 3 महीने बाद ब्लैकवुड एक पुलिस वाले पर ब्लैक मैजिक कर देता है और वो मर जाता है। एक ऑफिसर उससे आकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ब्लैकवुड कहता है, मुझे एक आदमी से मिलना है। ब्लैकवुड दरअसल शर्लॉक से मिलना चाहता था। शर्लॉक जेल में जाता है, उससे मिलता है, जहां वो कुछ ब्लैक मैजिक के मंत्र पढ़ रहा था। लोग उससे बहुत डरते हैं मगर शर्लॉक नहीं डरता है। शर्लॉक कहता है, जब ब्लैकवुड मर जाएगा तो वो उसके दिमाग को खोल कर उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे ही शर्लॉक वहाँ से जाने लगता है, ब्लैकवुड कहता है, 5 लोगों की जान सेक्रीफाइस कर दी है मगर 3 लोगों की जान और जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ब्लैकवुड शर्लॉक को चैलेंज करता है उन लोगों की जान बचाने के लिए। अब फांसी का दिन आ गया था। ब्लैकवुड मरने से पहले कहता है, ये तो बस शुरुआत है, और उसे फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर वॉटसन चेक करते हैं और उसे मरा घोषित कर देते हैं और ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 22-1B में एरिन एडलर मिलने आती है। एरिन बहुत चालाक है, साथ ही चोर भी है, जो शर्लॉक को पसंद करती थी। आयरिन शर्लॉक को एक केस देती है, रियोडन नाम के एक आदमी को उसे ढूंढना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। शर्लॉक आयरिन का पीछा करता है और आयरिन एक हॉर्स कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी शर्लॉक भेस बदलकर हॉर्स कार के सामने आ जाता है, पर हॉर्स कार के अंदर से एक आदमी गन दिखाकर उसे दूर हटने के लिए कहता है। घर आकर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को सारी बातें बताता है कि आयरिन किसी के लिए काम कर रही है और वो किसी आदमी के कंट्रोल में है, क्योंकि आयरिन किसी के कंट्रोल में रहने वालों में से नहीं है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो शर्लॉक को बताता है कि ब्लैकवुड अपनी कब्र में नहीं है, वो अपनी कब्र से बाहर आ चुका है। कब्रिस्तान के एक गार्ड ने ब्लैकवुड को वहाँ चलते हुए देखा था। उसके बाद शर्लॉक कहता है, ये तो बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन डॉक्टर वॉटसन कहते हैं ब्लैकवुड तो मर चुका था, मैंने खुद उसे चेक किया था। अब वो दोनों उसी कब्रिस्तान में ब्लैकवुड की कब्र के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी रियोडन की है, जिसे आयरिन ने कुछ समय पहले शर्लॉक से ढूंढने के लिए कहा था। उन्हें वहाँ पर कुछ क्लूज मिलते हैं, जिसके बाद वो ल्यूक के घर को ढूंढने जाते हैं। ल्यूक एक बौना था जिसके पास एक घड़ी मिली थी। शर्लॉक को उस घड़ी की शॉप से ल्यूक के घर का पता मिलता है। उसके घर जाने के बाद शर्लॉक को पता चलता है कि ल्यूक भी ब्लैकवुड से मिला हुआ है और वो ब्लैकवुड के साथ मिलकर साइंस और ब्लैक मैजिक से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शर्लॉक को वहाँ पर एक तांबे के बोल में बहुत सारे मरे हुए मेंढक दिखते हैं और डॉक्टर वॉटसन को वहाँ पेपर पर कुछ सबूत मिलते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही ताकतवर आदमी था। दरअसल ये लोग इस जगह को आग लगाकर इस जगह से सारे सबूत मिटाने आए थे, मगर उन लोगों से आने से पहले ही शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन ने सारे सबूत ढूंढ लिए थे। फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को वहाँ से सबूत ले जाने से रोक रहे होते हैं। वो लोग डॉकयार्ड पहुँच जाते हैं जहाँ पर काम चल रहा था। इन लोगों की लड़ाई में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है, साथ ही एक शिप भी पानी में डूब जाता है। उसके बाद शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को जेल में बंद कर दिया जाता है, पर कुछ देर बाद मैरी डॉक्टर वॉटसन की फियांसे उसकी जमानत करवा देती है और शर्लॉक की नहीं करवाती है। शर्लॉक वहीं पर रह जाता है। उसके बाद लेस्ट्रेड आकर शर्लॉक की जमानत करवाते हैं और एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है ब्लैकवुड वापस आ चुका है और उसके साथ शैतान चल रहा है। लेस्ट्रेड कहते हैं उसकी जमानत किसी बड़े आदमी ने करवाई है,
उसके बाद शर्लॉक का मुंह ढककर वहां से ले जाया जाता है और अब शर्लॉक के सामने बैठे होते हैं सर थॉमस रॉड्रम्स। शर्लॉक कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया और कैसे आया। सर थॉमस की अंगूठी देखकर शर्लॉक उनका नाम बताते हैं और कहते हैं, हम इस वक्त टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स में हैं, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताते हैं कि ब्लैकवुड उनका ही बेटा है। सर थॉमस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते किसी को ये बात पता चले। थॉमस शर्लॉक को एक बुक देते हैं जिस बुक से ब्लैकवुड ने ब्लैक मैजिक करना सीखा था और शर्लॉक से ये भी कहते हैं, हमें ब्लैकवुड को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। और इस सब में वो शर्लॉक की मदद मांगते हैं और वो शर्लॉक से ये भी कहते हैं, मैं तुम्हें इस काम के पैसे भी दूंगा, मगर शर्लॉक मना कर देता है। इसके बाद शर्लॉक आयरिन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि घोड़ा गाड़ी के सामने जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि शर्लॉक ही था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉमस अपने बाथरूम में बाथटब में नहा रहे थे तब उनकी मौत हो जाती है। थॉमस टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के सबसे प्रमुख मेंबर थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए शर्लॉक वहां पर आते हैं। शर्लॉक को वहां पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। वहां पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसमें से शर्लॉक एक बुक और कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के मेंबर्स की एक मीटिंग होती है। लॉर्ड क्वार्ट, जो कि ब्लैकवुड से मिला होता है, वो कहता है कि अब ब्लैकवुड को सर थॉमस की जगह के लिए नॉमिनेट करना होगा। लेकिन टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स का दूसरा मेंबर जॉन इंस्टेंडिश, जो कि सर थॉमस के साथ ही काम करते थे, वो कहते हैं, क्या तुम जानते हो ब्लैकवुड क्या कर सकता है। तभी वहां पर ब्लैकवुड आ जाता है और कहता है कि वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है और फ्यूचर बदलना चाहता है। अमेरिका में सिविल वॉर चल रही है और हम वहां पर भी कब्जा करके फ्यूचर बदल सकते हैं और लोगों को अपने कंट्रोल में लाएंगे, मगर स्टैंडिश इस बात के लिए मना कर देते हैं और ब्लैकवुड पर गोली चला देते हैं। और जैसे ही स्टैंडिश ब्लैकवुड पर गोली चलाते हैं, वैसे ही उनके शरीर में आग लग जाती है और वो जल के मर जाते हैं। और अब ब्लैकवुड को उसके पिता थॉमस की जगह मिल जाती है। शर्लॉक को कुछ क्लूज मिलते हैं। उसे पता चलता है कि नदी के किनारे एक फैक्ट्री है जहां पर उन्हें ब्लैकवुड मिल सकता है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि कोई मशीन वहां पर हटाई गई है। ब्लैकवुड फैक्ट्री में छुपा हुआ था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन जैसे ही अंदर आते हैं, वैसे ही ब्लैकवुड मशीन को चालू कर देता है जिसमें आयरिन को बांधकर लटकाया गया था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन आयरिन को बचा लेते हैं। उसके बाद शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और आयरिन एक जगह पर मिलते हैं। शर्लॉक उन मर्डर्स के बारे में बताता है जो हो रहे होते हैं, जो कि ब्लैकवुड ने किए थे। ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मारा था और उसके बाद बाकी के 3 लोग, जो कि टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। फिर वो मैप दिखाता है जहाँ पर बाकी के 3 लोगों के मर्डर हुए थे। मैप पर लोकेशन के हिसाब से एक क्रॉस का साइन बन जाता है, जिसका मतलब कि आखिरी और फाइनल की लोकेशन थी पार्लियामेंट। शर्लॉक को पार्लियामेंट में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। वहां पर ब्लैकवुड अपने काम को अंजाम देगा। अब लेसर्ट आकर शर्लॉक को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लॉर्ड क्वार्ट के पास लेकर जाते हैं, जो कि ब्लैकवुड से मिला हुआ था। शर्लॉक कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्लैकवुड ने पार्लियामेंट के नीचे सीवरेज टनल में कुछ प्लानिंग करके रखी है। उसके बाद शर्लॉक पानी में कूद जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर वॉटसन और आयरिन उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब तीनों पार्लियामेंट के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं सीवरेज टनल में, जहां पर ब्लैकवुड ने अपने आदमियों को काम पर लगा कर रखा था। वहां एक बड़ी सी मशीन थी और वो वही मशीन थी जिस पर ल्यूक काम कर रहा था। शर्लॉक कहता है, ये एक केमिकल वेपन है जो युद्ध के समय दुनिया में तबाही मचा देगा। इसमें जो केमिकल है वो गैस फॉर्म में निकल कर पाइप के जरिए ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जहाँ पर इंग्लैंड के सबसे पावरफुल और बहुत ही ऊंचे दर्जे के ऑफिसर्स हैं, और उस गैस की वजह से उन सभी की जान चली जाएगी। और उस मशीन को चलाने के लिए कंट्रोलर ब्लैकवुड के पास में ही होगा, जो कि पार्लियामेंट में ही मौजूद है। आयरिन मशीन में लगे हुए केमिकल को निकाल लेती है और वहां से भाग जाती है। शर्लॉक आयरिन का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाता है जो अभी भी बन रहा होता है।
आयरन कहती है वो शर्लोक को सब सच बताना चाहती है, लेकिन तब तक ब्लैकवुड वहाँ पर आ जाता है। ब्लैकवुड आयरन से सिलेंडर छीनकर उसे धक्का दे देता है। अब शर्लोक और ब्लैकवुड में फाइट शुरू हो जाती है और ब्लैकवुड के पैरों में एक रस्सी बंध जाती है जो एक लोहे की एक रॉड से बंधी हुई थी। शर्लोक कहता है, तुम्हारे पास कभी कोई काला जादू था ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास है कमाल का शातिर दिमाग और चालबाजी। सबसे पहले तो तुमने जिस जेल के गार्ड को पैसे दिए थे उसने नाटक किया था कि तुम्हारे जादू का उस पर असर हुआ है। दूसरी बात ये, जब कब्र में तुम्हें डाला गया वो पहले से ही टूटी थी, तुम बाहर आए और उसे गोंद से वापस से जोड़ दिया। तीसरा, तुमने अपने पिता के बाथ टब में पानी के साथ कॉपर मिला दिया जिससे बॉडी पैरलाइज हो गई और उनकी जान चली गई। इस बारे में मुझे ल्यूक की लैब से पता चला जहां उसने मेंढक पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया था। चौथा, जब स्टैंडिस जो कि टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स में एंटर किया तब उन पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया था और उनकी गन में छिड़कानी की गई थी, इसीलिए जब उन्होंने तुम पर गोली चलाई तब उनके शरीर में आग लग गई। और सबसे बड़ी प्लानिंग आज की थी जो पूरे पार्लियामेंट में केमिकल गैस से सबको मार देना चाहता था और सिर्फ तुम्हारे लोग ही बचते क्योंकि उन्हें पहले से ही इस गैस का एंटीडोट दिया जा चुका था जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। और उन्हें लगता कि तुमने अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लिया है। और अब ब्रिज के ऊपर से ब्रिज का एक पार टूट कर गिर जाता है जिससे ब्लैकवुड को फांसी लग जाती है। शर्लोक फिर आयरन के पास में जाता है जो अभी भी जिंदा थी। आयरन कहती है मोरियाटे एक प्रोफेसर है और वो उसके लिए काम करती है। मोरियाटे मेरा वीक पॉइंट जानता है इसीलिए मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है। शर्लोक उससे उसका वीक पॉइंट पूछता है मगर आयरन उसे कुछ भी नहीं बताती है। बेकर स्ट्रीट में शर्लोक फांसी पर लटके हुए थे तब डॉक्टर वॉटसन और मेरी वहां पर आते हैं। शर्लोक जिंदा थे, दरअसल वो बस जानना चाहते थे कि ब्लैकवुड को फांसी लगने के बाद भी वो मरा कैसे नहीं। तो मिस्ट्री ये थी कि ब्लैकवुड की रस्सी एक बेल्ट से बंधी हुई थी जिसकी वजह से उसके शरीर का भार गले पर नहीं आया। मगर सवाल था, डॉक्टर वॉटसन ने तो चेक किया था कि ब्लैकवुड मर चुका है। वो इसलिए क्योंकि ब्लैकवुड ने एक तरह का केमिकल कंज्यूम किया था जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान मर गया, मगर ऐसा बस उस केमिकल की वजह से हुआ था। तभी एक पुलिस वाला आकर बताता है कि ब्लैकवुड की मशीन से एक दूसरे पुलिस वाले की मौत हो गई है। ये काम था मोरियाटे का जिसने आयरन को बस एक मोहरा बनाया और मशीन का सबसे ज़रूरी हिस्सा निकलवा लिया जिसके बिना किसी वायर के मशीन को चलाया जा सकता है जो अब मोरियाटे के पास है। अब मूवी के लास्ट में शर्लोक कहता है केस रीओपन और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।